वैसे पिछले पौने दो साल का सफर सभी के लिए कष्टकारी रहा है, लेकिन आज इस कार्यक्रम का करना बहुत जरूरी इसलिए था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के सबसे पिछड़े जिले गाजीपुर में कोरोना के कार्यकाल में इस तरीके का कार्य देखने को आया। जो कार्य हुआ है उस कार्य की प्रेरणा कोई एक व्यक्ति नहीं रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय राम बहादुर राय जी रहे हैं, संजय शेरपुरिया जी रहे, ऐसे बहुत सारे लोगों का एक इस तरीके का एक संगठित जो एक विजन रहा है कि कहां से इस कोरोना काल में कैसी यात्राएं, कैसे लोगों को सुख सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे लोगों की मदद की जाए, और अस्पताल से लेकर शव यात्रा तक के जो कार्य हैं उसमें गाजीपुर के लोगों का बहुत अद्भुत और बहुत स्थायी जो इतिहास में लिखे जाने वाला योगदान है वो किया गया है कि सारे देश में गाजीपुर का वो मॉडल जिसमें स्वास्थ्य भी था, जिसमें विकास भी था, जिसमें खाद्य भी था, जिसमें रोजगार भी था, जिसमें यातायात भी था, सभी चीजों की सुख सुविधाओं का समन्वय जो वहां किया गया, उस तरीके का मॉडल देश के हर जिले में पैदा हो, आज के इस कार्यक्रम का ये संकल्प है। उसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से उसमें हमको सारे जितने भी वरिष्ठ और अनुभवी हमारे बीच माननीय अतिथि लोग बैठे हैं, उन सबका हमको आशीर्वाद भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और मार्गदर्शन भी चाहिए। हमको याद है कि गाजीपुर के इस कार्य की जो प्रेरणा है उसमें सबसे बड़ा एक जो संबल है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है वो हमारा नीति आयोग है। नीति आयोग ने देश के 2.5 लाख से ज्यादा एनजीओस को, आदरणीय अमिताभ कांत जी ने अपने दस्तखत से लोगों को भेजा, संजय राय शेरपुरिया ने, गाजीपुर के लोगों ने, बनारस के लोगों ने या उसके सरहदी जिलों के लोगों ने, विकास तो वहाँ बहुत किया, बहुत सहयोग किया कोरोना काल, लेकिन उनको उस चीज़ की चिंता नहीं थी या उस चीज़ के वो विश्लेषण नहीं थे कि हमारा ये कितना महाकुंभ का आयोजन हो रहा है या कितना ये बड़ा मॉडल बन रहा है। उसमें एक चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आई, एसडीजी वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो यूनाइटेड नेशंस ने तय किया है कि किसी देश की समृद्धि, विकास और प्रगति का एक पैरामीटर होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा, सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में हम उसको अपने लोगों को सादी भाषा में सिखाने के लिए कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, हमारे हर परिवार का विकास हो, इसकी यात्रा, इसका शुभारंभ एक अच्छा गाजीपुर से हुआ है। आज हम नीति आयोग के सामने ये चीज़ कह सकते हैं कि वो दुनिया को हमारे इन प्रयासों से अवगत कराए कि हमने कोरोना के काल में एसडीजी के लक्ष्य को दुनिया के 193 देशों में सबसे शिखर पर पहुंचाया है, इसलिए हमारा देश उस सम्मान का हकदार है और उस सम्मान के काबिल है, हमारा यूथ सम्मान है, हमारा देश सम्मान है।